आयशा, मैं तुम्हें ये बात कब से कहना चाहता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जब से तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप हुई है, बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूं मैं। और तुमको भी पता है कि हम दोनों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और आज मुझको यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे लोड़े पर बैठी हो। तुम मेरे साथ बैठी हो। अबे यार, तेरे से एक सिंपल सी लाइन याद नहीं हो रही है, घंटे से प्रैक्टिस कर रहा है तू इसकी। नर्वस हो रहा हूँ यार, पहली बार उसके साथ डेट पर जा रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट की डेट थोड़ी ना जो इतना नर्वस हो रहा है तू। पता नहीं यार क्यों हो रहा है ऐसा। अबे कुछ नहीं होगा, बस उसको हंसाता रहियो, क्योंकि लड़कियों को ना मजाकिया लड़के पसंद आते हैं। गुदगुदी करूं उसके। अबे गांड पर लात मार के भगा देगी, बातों से हंसाने की बात कर रहा हूं मैं। अबे बातों से तो मैं किसी को भी हंसा दूं। पता है मुझको, उस दिन आयशा इसको कहती कि मुझको बीएफ चाहिए, ये उसको कहता कि ना कैसा बीएफ चाहिए तुमको। उसने इसको कहा कि जो लॉयल हो और जो मेरी हर बात मानता हो और जो मुझको भी बोर ना होने दे, और ये उसको कहता कि ना मेरे कुत्ते को बना ले बीएफ। बताओ। अबे बहन, जो जोक मारा था मैंने बहुत हंसी थी वो। देख वो अलग बात है कि उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था, मगर जोक फनी था यार। बैंड चेक तो समझ नहीं आ रहा कि उसको लेके कहां पर जाऊं मैं। कॉफी पिलाने ले जा, बजट 500 का है यार सिर्फ। अबे इतने में तो हम दोनों भी चल सकते हैं। अबे यार उसको घर से पिक करना है और कॉफी की दुकान 4 किलोमीटर दूर है। इतने में यह सिर्फ मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा पाऊंगा या उसको कॉफी पिला पाऊंगा मैं। मूवी देखने चले जाओ, और वहां पर वैसे भी अंधेरे में किस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तुझको क्या लगता है कि इन सभी फैक्ट्स के बारे में मुझको नहीं पता? मैंने कहा उसको कि कोई हॉन्टेड मूवी देखने चलते हैं, वो कहती मुझको डर लगता है। तो मैंने कहा उसको कोई फनी मूवी देख लेते हैं, तो कहती मुझको डर लगता है। मैंने उसको कहा कि फिर कौन सी मूवी देखे, वो कहती हॉन्टेड मूवी देखते टाइम ना मेरे को साथ वाले का हाथ पकड़ने की आदत है। और रोमांटिक मूवी में चुप है, चुप। एक ही चीज सूझती है इसको, मेरी बात सुन। डेटिंग का पहला रूल, कभी अपनी एक्स के बारे में बात नहीं करनी उसके सामने। मेरी पहले थी भी नहीं कोई, सिंगल हूं यार मैं कब से। पिछले 4 डेट से सिर्फ रोती लड़कियों को संभाल रहा हूं मैं। जिस लड़की को देखो वही अपने एक्स की बात करने शुरू कर देती है। इन हरामी लोंडो की वजह से हम जैसे भुगत रहे हैं। वन साइडेड रहा है यार हमेशा। कोई बात नहीं, इस बार वाली दे देगी, बस तू थोड़ा मैनेज कर। अरे मुझको कोई दिक्कत नहीं है यार किसी का कंधा बनने में, मगर कब तक ऐसे शरीफ बन के घूमू यार। कभी तो जॉनी सिंस बनने का मौका मिले मुझको। डेटिंग की अगली टिप, उसकी बातों पर ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाइयो, और चाटिया तो बिल्कुल भी नहीं उसकी। अच्छा देख, मान के चलते कि अभी हम डेट पर बैठे हैं, मैं आयशा हूं तू धुन्नी है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। ठीक है ठीक है ठीक है। बेबी ये देखो मेरा डॉगी, अबे बदसूरत कुत्ता है। अबे चूतिया, इतना रूड भी नहीं होना, थोड़ा सा तो इंटरेस्ट दिखा। अच्छा ठीक है, ये देखो मेरा डॉगी। अरे कितना क्यूट डॉगी है ये, मैं भी बच्चों ने बिल्कुल ऐसे दिखता था। जब मुझे कोई उठाता था तो मैं उसके ऊपर ही मुंह देता था। अबे ओ इतना इंटरेस्ट में दिखा कि तो उस कुत्ते से बड़ा कुत्ता लगे और चूतिया लगे, थोड़ा कम ही कर कम। डेटिंग की अगली टिप, कि जब वो तेरे से बातें कर रही होगी, तूने उसकी आंखों में आंखें मिला के देखना है, मेक आई कॉन्टेक्ट। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं आपका। अज्यूम ठीक है बाबू। जब मैं आई टॉयलेट में जा रही थी ना, तो मैं जाते जाते टॉयलेट में गिर गई थी। भाई ये देख, ये देख कैसे घूर रहे, अभी डरा देगा उसको भोसड़ी के। बहन जो तूने तो बोला यार आंखों में देख। भाई थोड़ा प्यार से देख, रोमांटिक होकर देख, उसको लगे कि किसको प्यार करता है, उसको पता चले। अच्छा ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। बाबू जब मैं आई टॉयलेट में जा रही थी ना, तो मैं जाते जाते टॉयलेट में गिर गई थी। अबे बहुत चूतिया लग रहा है तू, घिन आ रही है देर से, क्या कर रहा है तू ये? रहने दे रहने दे तू बस। ऐसा लग रहा लकवा मार गया, सीधा सीधा देख आंखों में। तू कुछ ना कर, जैसे है वैसे ही रहने दे तू बस। नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट टिप, हमेशा होनेस्ट रहना लड़कियों के आगे, क्योंकि वो झूठ पकड़ लेती हैं। अच्छा, मोल बनाते हैं मोल। तो बेबी आज क्यों मिलना था आपको? वो आज मौसम भी अच्छा था और तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना था मैंने।
और आज सुबह से खड़ा भी है मेरा, तो सोचा मैंने आज तुमको मिल लूं। इतना भी होनेस्ट मत हो भाई। गुड, सिंगल ही मरेगा तू। अरे दुन्नी बेटा, तेरी दवाई ले आया, मैं तेरा सिर दर्द कर रहा था ना, ये ले। 2 घंटे पहले गए थे पापा, आप इतना टाइम लगा दिया आपने। अरे डॉक्टर के पास चला गया था मैं, मेरे हाथों में खुजली हो रही है बहुत, आज तो चेकअप करवा रहा था मैं डॉक्टर से, लगता है पैसे आने वाला है। अंकल अगर खुजाने से पैसे आते ना तो हर टट्टे वाला आदमी करोड़पति होता। क्या? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, हम कोई जरूरी बात कर रहे हैं, आप जाओ। अच्छा ठीक है, अगली टिप, पैसे तू देगा। यार वो ऐसी वाली लड़की नहीं है, मैं काफी टाइम से जानता हूं उसको। अबे बिल पेमेंट, लड़की बोलेगी बिल मैं दूंगी, मगर तू क्या बोलेगा उसको? दे दो, मेरा मुंह में ले लो। ना, मैं दूंगा, पर डेट पर तो मैं जा रहा हूं यार। तू अपने हाथ की वरमाला अपना दे, सिंगल ही मरेगा तू। अच्छा छोड़, ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है उससे बातें शुरू कर, उसको बता, उसका बर्थडे याद रख और उसको गिफ्ट भेज, अगर वो पट गई तो यार। अबे उसके साथ आज की लड़ाई को नहीं बोल रहा मैं, उसको इम्प्रेस करने की कह रहा हूं मैं, ताकि वो उसके सामने तेरी तरफदारी करे, तेरी तारीफ करे और इसका साथ दे, इसलिए कह रहा हूं मैं इसको कि उसको इम्प्रेस कर, मगर इससे मुझको क्या फायदा होगा यार? मान ले कल को उसके साथ तेरी लड़ाई हो जाती है और वो तेरे को सभी जगहों से ब्लॉक कर देती है, FB से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, सारी जगहों से ब्लॉक कर देती है, तो अनब्लॉक करवाने की चाबी किसके पास होगी? मेरे एक दोस्त हैकर है, उसको बोल के आइडिया करवा दूं। ना, असली चाबी होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास। अच्छा, दोस्त को पटाना है, दोस्त को पटाना दोस्त को है। पटाना है। आयशा का फोन आ रहा है यार, आयशा का फोन है, उठा 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 उठा। हेलो, हाय तुम्हें। हाय बेबी, मुझको तो लगा अब तक तुम सो रही होगी, उठ गई थी तुम। हाँ, मैं सबसे पहले उठ के सुबह योगा करती हूँ, और तुम क्या करते हो बेबी? मैं तो सबसे पहले उठकर अपने टट्टे सेट करता हूँ, क्या बिस्तर बिस्तर सेट करता हूँ बिस्तर। अगर आप माइंड ना करो तो मैं मेरी फ्रेंड को साथ ले आऊं, वो क्या है ना कि अगर वो साथ होगी तो मेरे घर वाले अलो कर देंगे मेरे को भी। अरे बिल्कुल 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 ले आओ। ना ना ना, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, थोड़ा कम कम। कौन सी फ्रेंड है वैसे ये? थोड़ा और कम इंटरेस्ट, थोड़ा और कम। कौन है ये? अरे जो उस दिन नाले में गिर गई थी ना, वो वाली। अच्छा, वो रंडी? क्या मतलब? मेरा मतलब वो बदसूरत पागल सी लड़की है। एक्सक्यूज मी, नहीं, उसको ले आओ ले आओ ले आओ, मैंने उसको ही तो पटाना है सबसे पहले, उसको ही तो पटाना है। क्या तो ये सब सोचते हो तुम? मुझे तो लगा था कि तुम अच्छे लड़के हो, मगर तुम भी दूसरे लड़कों की तरह रंडी बास निकले, मदर फकर। मदरफकर क्या होता है? मादर चोद। अरे नहीं, ऐसा तुम मुझे गलत समझ रहे हो, गलत समझ रही हो। शिट 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 शिट। हेलो हेलो हेलो, मेरी लकीरें खराब है यार, तूने खुद नहीं मिटाई है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और फ्रेंड्स, वो जो लाइक वाला बटन है उसको भी दबा देना, इससे मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स।